हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप थ्री स्टॉक्स जहां पे एक मैसिव अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आप लोगों को काफी स्ट्रॉन्ग अपरन दिखा सकते हैं सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पर रखते हैं दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी विद रिस्पेक्ट टू प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कैसे आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं जिन लोगों को भी अलॉटमेंट स्टेटस मिला है कंग्रेचुलेशन ये आई आपको डबल होता हुआ दिखाई देगा ऑन द लिस्टिंग डे विच इज़ ऑन ट्यूजडे उससे पहले मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है इस आई में आपके साथ शेयर कर दूंगा राइट right? चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पे एक मैसिव अपट्रेंड मेरे को देखने के लिए मिल रहा है जो पहला स्टॉक मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज ऑफ टिप्स इंडस्ट्री आप यहां पे देख सकते हैं ये जो स्टॉक uh, है ये मूवीज और एंटरटेनमेंट सर्विसेज से इंक्लूड रहता है और पिछले एक महीने में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको मैसिव गेंस देखने के लिए मिले हैं सर्टेनली अगर आप देखें तो अभी ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अपने नियर ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है विच इज ऑफ सेवन अराउंड

अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसका 785 का हाई है इसके ऊपर नहीं जा रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑन द लेवल अब सेवन हंड्रेड जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को फर्दर आपको हंड्रेड रुपीज़ का अपमूव यानी कि एट टू नाइ से नाइन हंड्रेड तक इस पर्टिकुलर स्टॉक को पुश कर सकती है एंड फर्दर दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन गो टू द लेवल ऑफ नाइन हंड्रेड पे आपको सेकेंड टाइम प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए राइट right. आप देखिए एक यहाँ पे इसमें क्लियर कट एक पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो रेड लाइन है इस average, इस पर्टिकुलर स्टॉक स्टॉक में इज ऑफ डेज मूविंग एवरेज ने कभी भी इस पर्टिकुलर रेड लाइन को तोड़ा नहीं है और एक काफी अच्छा हायर हाई हायर हायर लोज बनाता हुआ एक अपट्रेंड स्थापित किया है राइट right. अब मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अगर ये 700 का लेवल नहीं ब्रेक करता है और यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर लेवल 785 लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी देखने के लिए मिल सकती है तो ये था जो पहला स्टॉक में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था सेकंड स्टॉक जहाँ पे मुझे लगता है कि काफी अच्छा पोटेंशियल देखने के लिए मिल रहा है दैट इज ऑफ साइबर टेक्नोलॉजीज राइट मी शेयर यू साइबर टेक या साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 10.35 परसेंट अप था कंटिन्यूअस्ली तीन बिग ग्रीन कैंडल्स आपको देखने के लिए मिली मैसिव वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है और यहाँ पे एक काफी अच्छा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अगर ये पर्टिकुलर कंपनी यहाँ से दो दिन या तीन दिन करेक्शन करती है और आपको टू के लेवल के आसपास मिलती है तो यहाँ पे एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए आपको दिखाई दे सकती है not only the massive volume is one of the reason why i am interested in buying this particular stock but agar aap is particular stock ko lambe time frame pe dekhenge agar monthly time frame pe nikal ke dekhe aur main agar is particular stock ka chart chhota karu to yahan pe ek massive breakout aapko dekhne ke liye milega since 1999 आप यहाँ पे देखिए 1999 पे जब भी particular stock list हुआ था तब इस particular stock ने high हाँ बनाया था दो रुपए का और अब 25 साल के बाद इस particular stock ने एक मैसिव वॉल्यूम के साथ राइट right? अगर आप यहां पे देखिए मंथली कैंडल पे एक मैसिव वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है 25 साल का ब्रेकआउट आपको यह देखने के लिए मिला है मुझे लगता है कि यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने करंट लेवल से डबल रखने का पोटेंशियल रखता है हाउएवर अभी के लिए अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 220 के लेवल को आता है रीटेस्ट करता है तो एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है एंड फर्दर 250 का अभी एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बनते हुए दिखाई दिया है मुझे साइबर टेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर में राइट right. अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को 265 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक मिल सकती है। यह आपको और भी तेज मोमेंटम दिखा सकता है उसके वजह से यहां पे आपको थोड़ी करेक्शन आते हुए दिखाई दे सकती है बट यह पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है कि डिप पे बाय करने की एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको मैं छोटे टारगेट्स की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं उन्होंने डेली टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर स्टॉक वन से लेकर टू अगर मैं इसी को ऐड कर देता हूं तो यही आपके टारगेट रहने वाले हैं तो इनिशियल जो मेरे टारगेट निकल के आते हैं वो तीन सौ रुपये तक के निकल के आते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो कल के दिन अगर ये टू सिक्सटी फाइव के ऊपर निकलता है तो तीन सौ तक का जो लेवल है वो अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है साइबर टेक सिस्टम दन लास्ट स्टॉक विच आई वॉन्टेड टू तो डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज लिटिल बिट रिस्की डी वाई एन प्रो करके ये कंपनी है राइट करंटली बी सेगमेंट में है इसीलिए मैं इसे रिस्की बोल रहा हूँ जो बी सेगमेंट के स्टॉक्स होते हैं आप उन्हें इंटरडे पर बाई या सेल नहीं कर सकते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे ये स्टॉक खड़ा है मल्टी ईयर रेजिस्टेंस पे ये पर्टिकुलर स्टॉक खड़ा है टेक्निकली अगर आप देखें तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक बार के लिए फिर से लंबे टाइम फ्रेम पे डाल देता हूँ वन मंथ का ये टाइम फ्रेम है एक टाइम पे ये स्टॉक आठ सौ रुपये सात सौ रुपये का हुआ करता था उसके बाद इसमें एक मेजर मेजर सेल ऑफ देखने के लिए मिला बट पिछले तीन महीनों से ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम या रिटर्न आपको दिखा दिखाता हुआ दिखा दिया है राइट और अगर मैं आपको रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये जो लेवल है कंपनी का चार सौ का ये काफ़ी स्ट्रोंग रेजिस्टेंस लेवल है राइट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है चार सौ के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है और ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है फर्दर टू द लेवल ऑफ़ 500 आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है ये ये पर्टिकुलर स्टॉक है इसके अगर मैं टारगेट निकालूं तो 500 टू सिक्स मुझे लगता है कि डायनमिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड का स्टॉक आने वाले टाइम पे जाने का दम रखता है ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो डाउन साइड यहाँ पे, आ, मुझे ये निकालना होगा वीकली कैंडल से राइट अगर मैं मंथली कैंडल की बात करूँ तो डाउन साइड हमें बहुत दूर दिखेगा वीकली कैंडल पे अगर आप देखें तो 300 का ये जो लेवल है 337 का जो लेवल है मुझे नहीं लगता इस स्टॉक को जल्दी ये ब्रेक करना चाहिए ऑन द अपसाइड अगर हम इसे 420 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो हमारे टारगेट होने चाहिए फाइव हंड्रेड के एंड देन सिक्स हंड्रेड इन फ्यूचर राइट आप इस स्टॉक को भी अपनी रिडार पे रख सकते हैं काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिले हैं जस्ट वन नेगेटिव थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इसकी यहाँ से वॉल्यूम आपको चाहता हुआ दिखाई दिया है राइट right, यहाँ पे एक मैसिव सेलिंग हुई है जो एक कंसर्निंग का पॉइंट है अदरवाइज विद स्टॉप लॉस ऑफ थ्री हंड्रेड फोर्टी रुपीज़ आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रह सकते हैं अगर थ्री हंड्रेड फोर्टी का लो ब्रेक हो जाता है और उसके नीचे डे क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से आपको डेफिनेटली एक्सेट करना होगा इन सभी सभी स्टॉक्स को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस डिस्कस कीजिए तभी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें जितने भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं दैट इज कंप्लीटली माई फाइंडिंग्स और उन फाइंडिंग्स में मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ राइट अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस लीजिए एंड प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो स्टॉप लॉसेज राइट अगर कहीं पे स्टॉप लॉसेस बताया गया है तो उन स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको किसी स्टॉक में घुसने से पहले उस स्टॉक से एग्जिट कैसे लेना है उस स्टॉक में एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले बनानी चाहिए उसी के बाद किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए बात करूँ मैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स की तो निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है ये निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स 25,235 फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फाइव कर रहा है जबकि गिफ्ट निफ्टी का जो चार्ट है वो रफली अराउंड 25,392 के आसपास चल रहा है तो कल के दिन आपको एक काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग भी होते हुए दिखाई दे सकती है मार्केट की हाउएवर जो भी मिड कैप स्टॉक्स है वो अंडर प्रेशर ही रहे हैं और काफ़ी सेलेक्टिव एक्शन है जिसके वजह से आपने देखा होगा कुछ दिनों से आपके पोर्टफोलियो आपको लाल या फिर फ्लैट देखने के लिए मिला है अगर एक बार फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी आती है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर ट्रेंड सेटअप कर सकता है वही निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स के लिए भी एज़ वेल एज फ्यू फर्दर स्टॉक्स के लिए भी राइट right? डीज व स्क्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस और बात करूँ प्रीमियर एनर्जीज के ग्रेय मार्केट प्रीमियम की तो प्रीमियर एनर्जीज का जो करंट ग्रेय मार्केट प्रीमियम चल रहा है दैट इज अपन हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट एक मैसिव डिमांड आते हुए आपको दिखाई दी है इस पर्टिकुलर आई पी ओ के बिफोर लिस्टिंग राइट तो देखते हैं कैसे लिस्टिंग होती है ऑन द लिस्टिंग डे वी विल डिसाइड वेद वी वुड लाइक टू होल्ड दिस पर्टिकुलर आई पी ओ और नॉट थैंक यू एंड हैप्पी